नमस्कार, इंडिया की सोच देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सुनीता, वही रिपोर्टर जो सभी के दिलों में कांटे की तरह चुभने वाली लगातार आपको नजर आते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में। आज जो है हमारा पूरे यूपी में जो वृक्षारोपण हो रहा है 5 जून को, आप देख रहे हैं कि हम ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि वैसे तो कोई नेता कोई अधिकारी आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे से लगाकर बड़े अधिकारी, आपको एक पेड़ होगा तो 50 लोग घेर के बैठेंगे। अब सोचिए इससे पहले वो लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ गायब रहते हैं, कोई जो है अता पता नहीं है, लेकिन आज आपको सब मिलेंगे। आज चाहे कोई छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, आज सब आपको मिलेंगे इस वृक्ष की छाया में। जैसे कि खेतों में वृक्ष जो लगे होते हैं, जो मजदूर किसान जो खेतों में काम करते हैं वो वृक्ष के नीचे जो है छाया में रहते हैं। और रही बात, आज हम ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि ये एक पेड़ छोटा सा लगाएंगे, अगर उस पेड़ पे वो 5 लोग गिर जाएं तो वो पेड़ की जान निकल जाएगी। अब सोचिए, देखिए, हम आज हम यहाँ पे हैं लहरपुर तहसील जनता इंटर कॉलेज कल्याणपुर। हमारे साथ एक यहाँ पे सर हैं और जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करेंगे कि आज जो विश्व पर्यावरण दिवस है, आज उस शुभ अवसर पर क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। आज जो ये पर्यावरण दिवस है, इस शुभ अवसर पर जिसे वृक्षारोपण किया जाता है, पेड़ लगाते हैं, इससे पहले कभी कोई नेता कोई अधिकारी नजर नहीं आता है, लेकिन आज जो है सभी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे लगातार फोटो डाल रहे हैं कि ये देखें एक पेड़ है और 10 लोग पकड़ के फोटो खिंचवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लोग? हमारे यहाँ तो कॉलेज में तो हर साल होता है कार्यक्रम, और यहाँ जो है पौधे तो आप देख ही रही हैं, पौधे जो है लगते रहते हैं सदैव, और भी जो हमारा कृषि भूमि है उस पर भी हम लोगों ने लगवाए हैं, और जो सरकार का कार्यक्रम चलता है वो चलता रहता है। जैसे कि पेड़ आज लगा दिया गया, और सामाजिक वानिकी विभाग से और वन विभाग से हमें वृक्ष उपलब्ध कराए जाते हैं, उनको भी लगवा देते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी जो है एक जो है पेड़ यहाँ पे लगाया है, लेकिन कई स्कूलों में, कई जो है पंचायत भवन में, सचिवालय में, सब कहीं पर वृक्षारोपण हो रहा है, लेकिन वो पेड़ लगाकर जैसे कि वो फोटो खिंचवाने के लिए 50 लोग फोटो जो खिंचवा रहे हैं, अगर वो 10 लोग जो फोटो खिंचवा रहे हैं, अगर वो 10 पेड़ के साथ फोटो खिंचवाएं, 10 पेड़ लगाएं, तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे हम आपसे एक और सवाल हमारा है कि इससे पहले जो वृक्ष नहीं लगाते हैं और जब पर्यावरण दिवस आता है तो वृक्षारोपण किया जाता है, उसके बाद जो है कोई ध्यान नहीं पेड़ में, जैसे पानी डालना है उसको तैयार करने में समय लगता है, ऐसा तो नहीं कि आज वृक्ष लगाया और बड़ा हो गया, इस अवसर पर इस बात पर जैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो चाहते हैं अगर प्रकृति का नियम है, अगर जीव है तो पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और अगर जैसे बीकर है, एक में प्राणी बंद चूहा बंद किया गया, एक में पौधा रखा गया, तो पौधा भी मुरझा गया था और चूहा भी मर गया था, लेकिन दोनों को एक में बंद किया गया तो पौधा भी हरा भरा था, चूहा भी हर उछल कूद कर रहा था। तो हमारे जीवन, क्योंकि इनका अपोजिट संबंध है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वृक्ष ही हमारे जीवन का आधार है। धन्यवाद खुशहाली के लिए, क्योंकि लगाना आप देख रहे हैं कि हम इस स्कूल में हैं और इस स्कूल में वृक्ष भी लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं हमारे साथ, थोड़ा आ जाइए, हम जो है थोड़ा और भी बात करेंगे और दिखाएंगे भी आपको। और क्योंकि ये जो आज का जो दिन है वृक्षारोपण का जो दिन है, ये सब बहुत ही हमारे जीवन को जो मायने रखता है, कि अगर पेड़ नहीं होते तो हम जो है कैसे बाहर निकलते हैं, तो जैसा कि हमें धूप जब लगती है तो हम चाहते हैं कि छाया में थोड़ी देर बैठ कर आराम कर लें, तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो कैसे हम जो है आराम करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल का साथ, देखते रहिए।